हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार, यूवी कॉम्पिटिशंस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, रोजाना की तरह मैं लेकर हाजिर हूँ डेली करंट अफेयर्स जी के। आज 25 मार्च 2020 के करंट अफेयर्स की हम बात करते हैं। साथियों, यह हमारा डेली करंट अफेयर्स का डोज नंबर 19 है। साथियों, इसके अलावा यदि आप राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने के इच्छुक हैं तो उसके लिए अनअकैडमी ऐप पर मुझे फॉलो कर लीजिए। अनअकैडमी ऐप पर फॉलो करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, कोरोना वायरस महामारी के चलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रात 8 बजे देश को संबोधित किया और उन्होंने 21 दिन का लॉकडाउन पूरे देश में लागू कर दिया है। साथियों, हमारे इस करंट अफेयर्स की बात करें, यह हमारा करंट अफेयर्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में है, एमसीक्यूज में है और साथ ही साथ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन संख्या फर्स्ट से। कोरोना वायरस महामारी के चलते किस बैंक ने एक अतिरिक्त तरलता सुविधा एडिशनल लिक्विडिटी फैसिलिटी COVID-19 इमरजेंसी क्रेडिट लाइन CECL शुरू की है? ऑप्शन ए बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन बी आंध्रा बैंक, ऑप्शन सी भारतीय स्टेट बैंक और ऑप्शन डी इलाहाबाद बैंक। दोस्तों, इस समय कोरोना वायरस जो महामारी है उसने विकराल रूप ले रखा है, तो इसके चलते भारतीय स्टेट बैंक ने 200 करोड़ रुपए तक के फंड की सुविधा देने का वादा किया है जो कि 30 जून 2020 तक उपलब्ध होगी। भारतीय स्टेट बैंक ने एक इमरजेंसी क्रेडिट लाइन सेवा शुरू की है, COVID-19 इमरजेंसी क्रेडिट लाइन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी भारतीय स्टेट बैंक। CECL जो है 12 महीने के डिमांड लोन के रूप में 7.25% की ब्याज दर पर मिलेगा और यह जो सुविधा है सभी मानक खातों के लिए उपलब्ध होगी जिन्हें 16 मार्च 2020 तक स्पेशल मेंशन अकाउंट्स SMA फर्स्ट या सेकेंड रूप में वर्गीकृत किया गया है। जो SMA विशेष उल्लेख खाते, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ऐसे में फर्स्ट वे खाते होते हैं जिनमें ओवरड्यू वेल पीरियड 31 से 60 दिन का होता है और ऐसे में टू वो खाते होते हैं जिनमें ओवरड्यू का पीरियड टाइम जो है ओवरड्यू की जो अवधि है 61 से 90 दिन के बीच होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या दो। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए कर्फ्यू लगाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी को फैलने से रोकने के लिए कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य बना है पंजाब और लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य बना था राजस्थान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पंजाब। और पंजाब के मुख्यमंत्री है कैप्टन अमरिंदर सिंह और पंजाब के राज्यपाल है VP सिंह बदनौर। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या तीन। निम्नलिखित में से कौन कमलनाथ के बाद मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं? ऑप्शन ए सुरेंद्र पटवा, ऑप्शन बी ज्योतिरादित्य सिंधिया, ऑप्शन सी शिव बहादुर सिंह और ऑप्शन डी शिवराज सिंह चौहान। दोस्तों, ज्योतिरादित्य के कांग्रेस छोड़ने के बाद BJP में चले जाने और उनके साथ 22 विधायक चले जाने के बाद कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में गिर गई, यानी कि कमलनाथ सरकार गिर गई। कमलनाथ सरकार गिर गई तो वह बहुमत साबित नहीं कर पाई। बहुमत साबित करने से पहले ही कमलनाथ ने राज्यपाल लालजी टंडन को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। कमलनाथ के बाद BJP ने अपनी सरकार बनाई और मध्य प्रदेश BJP ने शिवराज सिंह चौहान को विधायक दल का नेता चुना और जिसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने चौथी बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी शिवराज सिंह चौहान। दोस्तों, शिवराज सिंह चौहान पहली बार मुख्यमंत्री 29 नवंबर 2005 को बने थे, उसके बाद दूसरी बार मुख्यमंत्री 12 दिसंबर 2008 को और तीसरी बार मुख्यमंत्री बने 8 दिसंबर 2013 को और इस बार चौथी बार मुख्यमंत्री बने हैं 23 मार्च को। नेक्स्ट, विश्व TB दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 3 मार्च को, ऑप्शन बी 24 मार्च को, ऑप्शन सी 27 मार्च को, ऑप्शन डी 31 मार्च को। दोस्तों, TB जिसका कि पूरा नाम ट्यूबरकुल बैसिलाई है, इसके लिए यह एक क्षय रोग है जो कि एक घातक संक्रामक रोग है
जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु की वजह से होता है। इसे फेफड़ों का रोग माना जाता है, लेकिन यह फेफड़ों के से रक्त प्रवाह के साथ शरीर के अन्य भागों में भी फैल जाता है। टीबी की जो है सन 1882 में 24 मार्च को डॉक्टर रॉबर्ट कॉच द्वारा क्षय रोग पैदा करने वाले बैक्टीरिया की खोज की गई थी, और इसी के चलते हुए विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 24 मार्च। जो टीबी रोग है उसके लक्षण क्या है? लक्षण है ज़्यादा खांसी आना, यानी कि 2 सप्ताह से ज़्यादा खांसी हो जाना, बुखार होना, वजन कम होना, भूख ना लगना और रात को पसीना आना, यह टीबी के लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 5, केंद्र सरकार ने मातृत्व अवकाश को बढ़ाकर अब कितने हफ्ते कर दिया है? ऑप्शन ए 14 हफ्ते, ऑप्शन बी 20 हफ्ते, ऑप्शन सी 26 हफ्ते, ऑप्शन डी 30 हफ्ते। दोस्तों, महिलाएं बच्चे को जन्म देने के बाद मातृत्व अवकाश ले लेती है, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान मातृत्व अवकाश लेती हैं। यह जो अवकाश की अवधि थी पहले थी 12 हफ्ते यानी कि 84 दिन, 12 हफ्ते की अवधि थी 84 दिन की, अब इसे केंद्र सरकार ने बढ़ाकर कर दिया 26 हफ्ते यानी कि 182 दिन। राइट आंसर है ऑप्शन सी 26 हफ्ते। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 6, निम्नलिखित में से किस संस्थान में जुलाई 2020 में भारत की पहली हाइपर लूप प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा? ऑप्शन ए IIT मद्रास, ऑप्शन बी IIT दिल्ली, ऑप्शन सी IIT मुंबई और ऑप्शन डी IIT रुड़की। दोस्तों, IIT भारतीय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दोस्तों इसका आयोजन देश में हाइपरलूप पॉड परिवहन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया जा रहा है, और यह जो प्रतियोगिता जो कर रहा है हाइपरलूप प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है IIT मद्रास। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर IIT मद्रास। इस प्रतियोगिता का आयोजन विश्व स्तर पर किया जाता है जिसे स्पेस एक्स द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। हाइपरलूप एक लूप होती है जिसके माध्यम से एक पॉड यात्रा करता है तथा इसके द्वारा यात्रा का समय बहुत कम हो जाता है क्योंकि पॉड हवा प्रतिरोध के बिना ट्यूब में यात्रा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 7, निम्नलिखित में से वह पहला देश कौन सा है जिसने टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में हिस्सा लेने से मना कर दिया है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी रूस। दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी चल रही है यानी कि कोविड-19 के कारण कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाग लेने से इनकार कर दिया है। इन दोनों देशों ने मांग की है कि जो ये ओलंपिक खेल है इनको 2021 में आयोजित किया जाए, और जो टोक्यो जो ओलंपिक है उनका आयोजन जापान की राजधानी टोक्यो में 24 जुलाई से 9 अगस्त 2020 तक आयोजन इनका होना था। तो इनमें से राइट आंसर है ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 8, कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के कारण चुनाव आयोग ने किस मार्च को होने वाले राज्यसभा चुनाव को टाल दिया है? ऑप्शन ए 23 मार्च को, ऑप्शन बी 26 मार्च को, ऑप्शन सी 26 अप्रैल को और ऑप्शन डी 30 अप्रैल को। दोस्तों, कुल 17 राज्यों की लगभग 55 राज्यसभा सीटों के लिए 26 मार्च को चुनाव होने थे, लेकिन पूरे देश में बढ़ते कोरोना के प्रकोप के कारण इसे टालने का फैसला लिया गया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी 26 मार्च। राज्यसभा में के चुनाव में जो राज्यसभा का चुनाव हुआ था उसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP प्रमुख शरद पवार, केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले और राज्यसभा के उपसभापति हरवंश नारायण सिंह समेत 37 प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 9, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है पुलिस को टसर गन सौंपने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। दोस्तों, इसका राइट आंसर है गुजरात ऑप्शन बी। गुजरात पुलिस को अपने नागरिकों को बचाव और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार के पुलिस आधुनिकीकरण अभियान के तहत टैसर गन से लैस किया गया है। टैसर गन एक इलेक्ट्रोशॉक हथियार है जो अस्थायी रूप से मांसपेशियों के कार्यों को बाधित करने या गंभीर चोट के बिना दर्द को कम करने के उद्देश्य से दिया गया बिजली का झटका है तथा यह दो छोटे कांटेदार डॉट्स
द्वारा फायर करता है जिसका उद्देश्य है त्वचा को यानी कि मानव की त्वचा को पंचर करना है। दोस्तों इनका उपयोग लाठी गोली की जगह यूज किया जाएगा गुजरात पुलिस द्वारा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 10, किस बैंक ने अपने कैश छोड़ो अभियान के तहत तमिलनाडु के करूर में भारत का पहला प्रीपेड कार्ड एनकासु तमिल में मेरा कैश लॉन्च किया है? ऑप्शन ए इलाहाबाद बैंक ने, ऑप्शन बी आंध्रा बैंक ने, ऑप्शन सी करूर वैश्य बैंक ने, ऑप्शन डी कोऑपरेटिव बैंक ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी करूर वैश्य बैंक ने। साथियों करूर वैश्य के नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी NFC पर काम करने वाले इस कार्ड को खरीदने वाले ग्राहक छोटी से छोटी खरीदारी के लिए व्यापारियों को ₹1 की राशि का भी टैप एंड गो कार्ड टैप के जरिए भुगतान कर सकते हैं और आने वाले छुट्टे पैसों की समस्या से निजात पा सकते हैं। यह कार्ड इस मायने में भी खास है क्योंकि इसका इस्तेमाल ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के भुगतान के लिए भी किया जा सकता है। तो साथियों ये था हमारा करंट अफेयर्स GK। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद तो आएगा आपको, तो हमारा वीडियो अब अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक बार हमारे इस चैनल को YouTube चैनल जो है UV कंपटीशन इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ यदि वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो का PDF डाउनलोड कीजिए। PDF डाउनलोड करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से PDF डाउनलोड कीजिए। भविष्य के लिए सुरक्षित रखिए और अपने एग्जाम्स पास कीजिए। और कोरोना वायरस महामारी के चलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 दिन का लॉकडाउन किया है, तो उसके लिए आपसे आमजन से अपील है कि अपने घर से बाहर ना जाए, घर से बाहर ना निकले, आप जहाँ पर हैं वहीं पर रहें और इस महामारी के खतरे से बचें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।